हाय फ्रेंड्स, इस स्टोरी का हीरो है ये जनरेटर। इस जनरेटर की मदद से पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जो ग्रिड के थ्रू हम लोगों के घर तक पहुंचता है। ये जनरेटर है 1990s का। इसके लाइफ स्पैन में बहुत टाइप का फॉल्ट ये एक्सपीरियंस किया है, कभी 95% स्टेटर अर्थ फॉल्ट, कभी 100% स्टेटर अर्थ फॉल्ट। एक बार क्या हुआ, मार्च अप्रैल महीने का टाइम था जब पावर ग्रिड में बहुत डिमांड रहता है पावर का, और शाम के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होता है सबसे ज़्यादा। उसी समय पे 100% स्टेटर अर्थ फॉल्ट हुआ और ये जनरेटर ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो गया। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, जनरेटर के अंदर 3 वाइंडिंग रहता है और जनरेटर को कूल करने के लिए जनरेटर के अंदर रहता है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का प्योरिटी 99% तक होता है, लेकिन थोड़ा सा तो मॉइस्चर कंटेंट रहता ही है। ये है मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली उस समय क्या हुआ, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा बढ़ गया था और ये जनरेटर था 20-25 साल पुराना, तो इंसुलेशन थोड़ा सा वीक तो हो ही गया था। जहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा वीक हुआ था वहीं पे ये मॉइस्चर मॉलिक्यूल अटैक कर दिया, जिससे एक अर्थ फॉल्ट हो गया। जनरेटर प्रोटेक्शन रिले ये सब चुपचाप देख रहा था। जैसे ही अर्थ फॉल्ट हुआ वैसे ही कमांड चला गया जनरेटर लॉकआउट रिले 86A में, उससे कमांड गया सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर में कमांड जाते ही ये ब्रेकर ओपन हो गया और ये ग्रिड से डिसिंक्रोनाइज्ड हो गया। सो इवनिंग के टाइम पे जब पावर का डिमांड सबसे ज़्यादा था, ये जनरेटर पावर प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, जिससे इस पावर कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। जो भी हो, हम लोग को कंसेंट्रेट करना है इस जनरेटर के अंदर अर्थ फॉल्ट हुआ तो इस रिले को पता कैसे चला। इस जनरेटर के अंदर कहीं पर ग्राउंड हो गया है ये डिटेक्ट करने के लिए ये 3 टेक्निक यूज़ होता है। 95% अर्थ फॉल्ट में अगर जनरेटर का वाइंडिंग को तुम ऐसे खोल दोगे तो ये 0 to 100% में 95% को ही प्रोटेक्ट कर पाता है। थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट बीच में कुछ पोर्शन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन 95% अर्थ फॉल्ट जिस पोर्शन को छोड़ देता है ये थर्ड हार्मोनिक वाला कंपोनेंट उस पोर्शन को कवर कर लेता है। सो ये 2 टेक्निक को यूज़ करके टोटल जनरेटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसको हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये 20 हर्ज इंजेक्शन टेक्निक, इस एक प्रोटेक्शन के थ्रू हम लोग 100% वाइंडिंग को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। 95% अर्थ फॉल्ट एक्चुअली क्या करता है, जनरेटर का न्यूट्रल वोल्टेज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही यहाँ पे एक सर्टेन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज इसको मिल जाए, इसको पता चल जाता है जनरेटर में 95% पोर्शन में कहीं पे अर्थ फॉल्ट हो चुका है। लेकिन अगर फॉल्ट ये 95% पोर्शन से आगे चला जाए, मतलब न्यूट्रल साइड में चला जाए, तो ये प्रोटेक्शन स्कीम भाई अंधा है। ये एक ब्लाइंड जोन है 95% प्रोटेक्शन के लिए। तो वो पोर्शन एक्चुअली प्रोटेक्टेड कैसे होगा, उसके लिए थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। न्यूट्रल के अक्रॉस कितना थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज होगा वो डिपेंड करता है फॉल्ट लोकेशन के ऊपर। जैसे ही थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज 1 वोल्ट से कम हो जाए तो इस प्रोटेक्शन स्कीम को पता चल जाता है इस 5% जोन में कहीं पे अर्थ फॉल्ट हुआ है। और वो जो सब हार्मोनिक इंजेक्शन प्रिंसिपल के बारे में बात किए थे, उसमें जनरेटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को रिले कंटिन्यूअसली मेजर करता रहता है, और एक सर्टेन वैल्यू के बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर गिरता रहे तो इस रिले को पता चलता है जनरेटर के अंदर कुछ गड़बड़ है, कहीं पे इंसुलेशन पे कुछ प्रॉब्लम आया है। सो सेफ्टी के लिए जनरेटर को ट्रिप करवा देना चाहिए। इस लेक्चर से ये 3 प्रोटेक्शन स्कीम को हम लोग एकदम बारीकी से समझेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ये 90% अर्थ फॉल्ट में ये 95% ऑफ टोटल वाइंडिंग को ही क्यों प्रोटेक्ट करता है, 100% को क्यों नहीं कर पाता है, अर्थ फॉल्ट के साथ थर्ड हार्मोनिक का क्या लिंक है, और इस स्कीम में 20 हर्ज हम लोग इंजेक्ट करके जनरेटर के अंदर जो इंसुलेशन है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। इस डिस्कशन के एंड तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलो थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। पहले समझो जनरेटर के अंदर वाइंडिंग्स कैसे कनेक्टेड रहता है। जनरेटर एक्चुअली डबल स्टार कनेक्टेड होता है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। देखो एक फेज के लिए 2 सेट ऑफ वाइंडिंग है और ये 3 वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड है, इसीलिए डबल स्टार कहा जाता है। ये हो गया जनरेटर का फेज साइड, जहाँ से जनरेटर का पावर आउटपुट स्विच यार्ड की तरफ जाएगा, और ये हो गया न्यूट्रल साइड। न्यूट्रल साइड में एक्चुअली क्या होता है, एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर रहता है। ये एक सिंपल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के थ्रू जनरेटर ग्राउंडेड रहता है।
जेनरेटर के अंदर ऐसे दो पैरेलल वाइंडिंग रहता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के सुविधा के लिए हम लोग इसको एक सिंगल वाइंडिंग कंसिडर करते हैं। स्टेटर अर्थहोल्ड प्रोटेक्शन स्कीम समझने के लिए जेनरेटर का इतना कनेक्शन समझना ही काफ़ी है। अब चलो देखा जाए 95% स्टेटर अर्थहोल्ड का फंडा क्या है, कैसे ये प्रोटेक्शन स्कीम काम करता है। जेनरेटर प्रोटेक्शन रिले इस न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है ये कंटिन्यूसली देखता रहता है, और जैसे ही ये वोल्टेज का वैल्यू 12 वोल्ट से ज़्यादा हो और 0.2 सेकेंड के लिए ये वोल्टेज 12 वोल्ट से ज़्यादा हो तो ये रिले सेंस करेगा कहीं पे अर्थ फॉल्ट हुआ है, और वो जोन है 95% ऑफ दिस वाइंडिंग। ये तीनों फेज में किसी भी फेज में हो सकता है। सो इस लॉजिक का फंडा बहुत ही सिंपल है, सिंपल ओवर वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, 12 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ट्रिपिंग, अगर नहीं है तो ओके जनरेटर हेल्दी है। अब चलो समझते हैं इस लॉजिक के थ्रू जनरेटर के अंदर अर्थ फॉल्ट हुआ है कि नहीं ये कैसे पता चलता है। सो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जब जनरेटर के अंदर कुछ अर्थ फॉल्ट नहीं है उस समय जनरेटर का तीनों फेज का जो लाइन वोल्टेज होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन हाँ तीनों फेज का वोल्टेज में थोड़ा तो अंतर रहता ही है। सो ये जो थोड़ा सा अनबैलेंस तीनों फेज में रहता है वही वोल्टेज यहाँ पे न्यूट्रल पे आता है, और ये न्यूट्रल पे स्टेप डाउन होने के बाद ये वोल्टेज लगभग जीरो के आसपास ही होता है, 0 to 1 वोल्ट के आसपास, जो इस 12 वोल्ट से बहुत ही कम है। सो स्टेटर अर्थ फॉल्ट कुछ ट्रिपिंग सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है। अब अगर ऑल ऑन ए सडन यहाँ पे अर्थ फॉल्ट हो जाए तब देखो क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, ये देखो एक क्लोज्ड पाथ है तो ये वोल्टेज भी 15.75 के भी होगा। सो ये फॉल्ट केस में न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पे तो 15.75 के भी, सो यहाँ पे भी 15.75 के भी, सेकेंडरी में फुल वोल्टेज आएगा जो यहाँ पे रेटेड है 240 वोल्ट आ जाएगा, और 240 वोल्ट आया तो वो 12 वोल्ट से बहुत ज़्यादा है। सो इस तरीके से इस रिले को पता चल गया जनरेटर के अंदर कहीं पे ग्राउंड फॉल्ट हुआ है। सोचो ये फॉल्ट इस फेज साइड के जगह पे इस न्यूट्रल साइड पे हुआ है तब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा वो डिपेंड करेगा यहाँ तक कितना वोल्टेज है। कंसिडर करते हैं 0.5 के भी है, न्यूट्रल के बहुत नज़दीक है। सो यहाँ पे वोल्टेज आएगा 0.5 इंटू इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से तुम निकाल सकते हो 3.8 वोल्ट आ गया। तो अब ये रिले देखो, रिले क्या देख रहा है, VN इक्वल्स टू 3.8 वोल्ट जो 12 वोल्ट से ज़्यादा तो नहीं है। सो जनरेटर के अंदर अर्थ फॉल्ट होते हुए भी ये प्रोटेक्शन स्कीम इस अर्थ फॉल्ट को देख ही नहीं पाएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट पे मेरा एक स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन किया था, सर यहाँ पे 12 वोल्ट के जगह अगर हम लोग 1 वोल्ट कर देते हैं तो दिक्कत क्या है, तो तब ये पोर्शन भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। वेरी वैलिड क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस 12 वोल्ट के जगह पे अगर 1 वोल्ट या 2 वोल्ट डाल देते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे जो तीनों फेजर का मैंने बोला था ना थोड़ा मोड़ा अनबैलेंस रहता ही है। अगर एक नॉर्मल सिचुएशन है जनरेटर के अंदर अर्थ फॉल्ट है ही नहीं लेकिन सिस्टम डिमांड के अकॉर्डिंग वोल्टेज में थोड़ा मोड़ा अनबैलेंस आ गया है जिससे इस ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 से 3 वोल्ट मिल रहा है, तो बिना अर्थ फॉल्ट हुए भी जनरेटर प्रोटेक्शन को रिले को लगेगा कि अंदर अर्थ फॉल्ट है, भाई ट्रिप कराना चाहिए जनरेटर को, जिससे एक फॉल्स ट्रिपिंग हो जाएगा। सो इसीलिए न्यूट्रल वोल्टेज का वैल्यू 12 वोल्ट से ऊपर जाए तभी ट्रिपिंग ठीक है। अब और एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जो है, ये वोल्टेज 12 वोल्ट ही क्यों है, 10 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था, 12 ही क्यों। देखो आंसर बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली ये है 95% स्टेटर अर्थ फॉल्ट। हम लोग वाइंडिंग का 5% को छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, भाई उस जोन को तुमको प्रोटेक्शन देने का जरूरत नहीं है, लेकिन अनबैलेंस अगर आए उस केस में फॉल्स ट्रिपिंग होना नहीं चाहिए। और 12 वोल्ट के पीछे रीजन भी वही है, 5% ऑफ 240 वोल्ट मतलब इस ट्रांसफार्मर का जो रेटेड वोल्टेज है उसका 5% आता है 12 वोल्ट। सो 95% स्टेटर अर्थ फॉल्ट का पूरा फंडा क्लियर हो जाना चाहिए अब। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस 12 वोल्ट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड हार्मोनिक डिटेक्शन प्रिंसिपल में क्या टेक्निक यूज होता है। जेनरेटर्स यहाँ पे नॉर्मली 50 हर्ज रेटेड होता है। सो इसका मतलब क्या, ओनली फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ही रहेगा और कुछ फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट नहीं रहता है। जेनरेटर्स कितना भी परफेक्टली डिजाइंड हो जाए जेनरेटर से थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज या हार्मोनिक्स रहेगा ही रहेगा,
क्योंकि ये जनरेटर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। सो जनरेटर में कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है, उस सिचुएशन में भी जनरेटर का टर्मिनल्स में थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज मिलेगा। और ये थर्ड हार्मोनिक कुछ यूजफुल काम तो करता नहीं है, सिर्फ नुकसान ही करता है। बट ह्यूमन माइंड इज़ वेरी क्लेवर, इस यूजलेस थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट को भी अपना काम में लगा ही लिया। जनरेटर से जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, उस वोल्टेज का जो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है उसको कैलकुलेट करता है ये रिले। अर्थ फॉर प्रोटेक्शन उस ताक पे रहता है कब थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज का वैल्यू 1 वोल्ट से कम हो। अगर 1 सेकेंड के लिए थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज 1 वोल्ट से कम हो तो ये रिले को पता चलता है 5% जोन में कहीं पे अर्थ फॉल्ट हुआ है। अब तुम लोग कहोगे ऐसे कैसे मान लो कि 1 वोल्ट से कम होने पे 5% जोन में अर्थ फॉल्ट हुआ है, ये पकड़ा जाएगा। तो चलो देख लो एक्चुअली होता क्या है। कंसीडर करो ये एक जनरेटर का वाइंडिंग है, तो इसमें थर्ड हार्मोनिक न्यूट्रल वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो देखो। पहले बात करते हैं नॉर्मल रनिंग कंडीशन में, जब कुछ भी कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट नहीं हुआ है, तब जो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस टाइप का होता है। थर्ड हार्मोनिक न्यूट्रल वोल्टेज कितना होगा वो डिपेंड करता है कहाँ पे फॉल्ट हुआ है। कंसीडर करो फेस साइड में अगर फॉल्ट हुआ है तो ये वोल्टेज प्रोफाइल इस टाइप का होगा। जैसे जैसे इस न्यूट्रल साइड की तरफ आगे बढ़ता रहता है फॉल्ट, वैसे वैसे न्यूट्रल में थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज कम होते रहता है। और जब 5% जोन पे आ जाता है तो ये ट्रिप रीजन में आ गया, जिससे इस रिले को पता चल जाता है कि 5% जोन में कुछ अर्थ फॉल्ट हुआ है और जनरेटर को बचाना है तो जनरेटर को तुरंत ट्रिप कराना होगा। अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक है सब हार्मोनिक इंजेक्शन टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू 100% वाइंडिंग को तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर ही देते हैं, इसके साथ साथ एक यूनिक एडवांटेज है इस मॉडर्न टेक्निक का। पहले जो दो टेक्निक हम लोग डिस्कस किए, अगर जनरेटर सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन पे है उस समय ही अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करना पॉसिबल है। अगर मान लो जनरेटर शटडाउन कंडीशन में है कुछ दिनों से और उसी कंडीशन में किसी इंसुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो वो जो प्रोटेक्शन स्कीम था उससे हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इस वोल्टेज इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू हम लोग एक बटन प्रेस करके इस जनरेटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर शटडाउन में हम लोग मेजर किए और जनरेटर इंसुलेशन रेजिस्टेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया तो फॉल्ट होने से पहले ही हम लोग प्रॉब्लम को अटेंड कर सकते हैं। चलो वो सब तो ठीक है, अब इस टेक्निक का हम लोग प्रिंसिपल समझते हैं, फंडा समझते हैं एक्चुअली ये काम कैसे करता है। इसका नाम ही थोड़ा हॉरिफाइंग है, साब हार्मोनिक इंजेक्शन। लोग सुन के ही डर जाता है। साब हार्मोनिक का मतलब है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना है, 50 हर्ज। तो यहाँ पे एक्चुअली 20 हर्ज वोल्टेज सोर्स का यूज़ किया जाता है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज से तो कम ही है, इसीलिए इसका नाम साब हार्मोनिक इंजेक्शन प्रोसेस है। इस स्कीम में 20 हर्ज वोल्टेज सोर्स एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू इस न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लगा दिया जाता है और एक सीटी के थ्रू रिले में करंट का वैल्यू आता रहता है। अब इस रिले को वोल्टेज का वैल्यू पता है, करंट का वैल्यू पता है, तो आर का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अगर उस रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 kΩ से कम हो और 10 सेकेंड से ज़्यादा वो वैल्यू परसिस्ट करे तो एक अलार्म जनरेट होगा, जनरेटर के अंदर अर्थ फॉल्ट हुआ है। और अगर आर का वैल्यू 2 kΩ से कम हो जाए तो 2 सेकेंड में ही एक ट्रिप सिग्नल जनरेट होगा जो जनरेटर को ट्रिप करा देगा। सो दिस इज द सेटिंग वैल्यू फॉर दिस प्रोटेक्शन स्कीम। अब एक चीज ऑड नहीं लग रहा है, इस न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पे वोल्टेज अप्लाई करके और यहाँ से करंट मेजर करके इस जनरेटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे मेजर हो रहा है। चलो समझते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। ये जनरेटर का बी फेज हो गया और यहाँ पे अगर हम लोग अलग से एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें और यहाँ पे एक एमिटर लगा दे तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वी बाय आई। लेकिन यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स के कारण क्या कुछ करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लोज पाथ है ही नहीं। अब कंसिडर करो यहाँ पे अर्थ फॉल्ट हुआ है, अब देखो एक क्लोज पाथ बन गया। नाउ वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम लोगों को पता है, करंट हम लोग मेजर कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे जेड का वैल्यू हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। जस्ट यही काम करता है ये रिले, यहाँ से वोल्टेज देखता है, ये वोल्टेज इंजेक्टर का कितना वोल्टेज जा रहा है, और यहाँ से करंट मेजर कर लेता है सिटी के थ्रू, जिससे
इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू इस रिले को पता चल जाता है। सो बेसिकली सब हार्मोनिक इंजेक्शन प्रोसेस में हुआ क्या, ये रिले कंटिन्यूसली इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करता गया। जैसे ही अर्थ फॉल्ट हुआ और 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम के लिए जनरेटर इंसुलेशन रेजिस्टेंस 2 किलो ओम से कम आया, इस रिले को पता चल जाएगा जनरेटर के अंदर अर्थ फॉल्ट हो चुका है। मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जितना भी हो, जनरेटर का सेफ्टी देखना इस रिले का फास्ट एंड फॉरमोस्ट काम है। सो जनरेटर प्रोटेक्शन रिले सिग्नल भेजेगा 86A को, 86A सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा, जिससे ये जनरेटर ग्रिड के साथ डिस्कनेक्टेड हो गया और फर्दर डैमेज होने से बच गया। सो ये था जनरेटर स्टेटर अर्थ फॉल्ट का कहानी। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। That's all for now. Goodbye.